हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी 11 ही बजे हैं, तो आप सब लोग को गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बबलीज लाइव ट्यूब। तो आपका सबका वेलकम है। एंड अभी आज के सीन ये है कि अभी मैं पी रही हूँ, देखो, बैठ के पानी, क्योंकि मैंने बहुत सारे गाइस बर्तन किए हैं, क्योंकि आज दीदी नहीं आई, उनकी 2 दिन से तबीयत ख़राब थी। तो मैंने बोला कि दीदी आज आप छुट्टी ले लो, क्योंकि ना ज़्यादा हो जाएगी अभी तबीयत ख़राब। और क्योंकि ये लोग यार रोज़ काम करते हैं, कभी कभी अपने घर का काम हमें खुद भी करना चाहिए। तो आज दीदी छुट्टी पे हैं, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ा। मतलब अभी तो मेरा काम ना करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ बर्तन किए हैं। और अब बर्तन करने के बाद पूरा किचन साफ़ किया है, अभी मुझे झाड़ू पोछा करना है और खाना भी बनाना है। तो मैं बैठ के पहले सांस लेके लंबा सा आराम से पानी पी रही हूँ। और मैं दिखाती हूँ कि मैंने अभी बहुत सारे बर्तन किए गाइस, मुझे 1 घंटा लग गया। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने किचन साफ़ किया, और अभी साथ में मैं रखूँगी छोले। किचन देखिए पूरा साफ हो गया है, बहुत ही अच्छा सा। मैंने पूरा एकदम साबुन से पूरा और साबुन से धो के अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अभी बस मैं रख रही हूँ छोले। और गाइस, मैंने बहुत सारे बर्तन किए सच में, देखो ये वाले भी हो, ये वाले भी पूरे। तो अभी मैं रख देती हूँ छोले, क्योंकि साथ में छोले उबलेंगे, इतने में सफाई कर दूँगी। तो ये देखिए, ये छोले जो है, मैंने काले वाले छोले हैं, इनको मैंने रात को भिगो दिया था। वो देखिए, ये इतना बड़ा बड़ा साइज़ हो जाता है, अभी विसल लगेगा तो ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। तो इसको मैं अभी बंद कर देती हूँ। साथ में मैंने यहाँ पे भिगो दिया है राइस, क्योंकि अगर राइस आधा घंटा भीग जाएंगे उसके बाद बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो बस आप करते हैं सब। तो पहले मैं खा रही हूँ भिगे हुए बादाम, क्योंकि जो मैंने रात को भिगो दिए थे काम में, आज पता भी लगा बादाम खाए नहीं थे। आप लोगों को भी रोज, अभी गर्मी आ गई है, रात को भिगे हुए बादाम सुबह खाने चाहिए, बहुत ही अच्छे होते हैं। आज बैठ के खाने को टाइम भी नहीं है, क्योंकि बहुत काम है। और देखो हमारा घर जो है अभी बहुत ही गंदा हो रखा है, नीचे फर्श जो है गाइस वाइट कलर का है। तो मैंने अभी सेटिंग तो कर दी है, लेकिन जब तक सफाई नहीं होगी घर बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो चलो मिलते हैं सफाई करने के बाद, और देखते हैं कितना टाइम लगता है नेक्स्ट से। देखते हैं कि पूरे घर की सफाई हो गई है। ये रूम भी मैंने पूरा सेट कर दिया है, एंड ये वाला रूम भी मैंने पूरा सेट कर दिया है, देखिए। और ये तो हम लगा के ही रखते हैं, क्योंकि बहुत मच्छर है, इसके बिना तो बिल्कुल भी नहीं सो पाएंगे हम लोग। तो ये रूम भी मैंने पूरा सेट कर दिया है, और किचन साफ ही है। और ये देखिए, ये रूम भी पूरा सेट कर दिया है। तो पहले लस्सी बना दूँ जीरा डाल के, है? हाँ। चलो ठीक है, मैं लस्सी लेके आ रही हूँ पहले जीरा डाल के। यहाँ पे मैंने लस्सी को जो है वो ना पानी डाल के हिला लिया है। अब इसमें ऐड करूँगी जीरा और हल्का सा नमक। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है भुना हुआ जीरा और नमक। जीरा आप घर पे भी भून के रख सकते हैं, जब भी चाहें आप इसको लस्सी में डाल के नमक डाल के पी सकते हैं। ये टेस्टी भी लगता है, वो बहुत गर्मियों में ठंडा भी रहता है, बहुत अच्छा रहता है। तो मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरा तड़का हो गया है रेडी, और अभी 2 विसल और लगेंगे। यहाँ पे पानी जो है वो बॉयल हो गया है, और भिगे हुए राइस मैं इसके अंदर ऐड कर रहे हूँ। और शायद निकल भी आ गए हैं लग रहा है नीचे, तो वो राइस देख लेंगे, इतने में जा रही हूँ नहाने के लिए। तो मिलते हैं नहाने के बाद। तो गाइस निखिल आ गए हैं, अब निखिल का काम है, बस मैंने अपना काम खत्म कर दिया है, अब निखिल का काम है सैलेड काटना और राइस देखना और सब्जी देखना। ठीक है, बंद कर दूंगा मैं। और निखिल कितने चलाक बनते हैं गाइस, कि जब सुबह पता लगा था 9:30 बजे से कि दीदी नहीं आएगी काम करने के लिए, तो जब तक पैंट सेट लगा चुके थे, अरे तो और है ना धीरे 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 ऐसे खिसक रहे थे कि हाँ बबली मैं जा रहा हूँ बस। कोई नहीं, तो शाम को और कर दूंगा ना काम। औरत कितनी अच्छी होती है, भगवान कितना पेशेंस रख के कितना काम करती है। अरे हम भी तो करते हैं, तो क्या हो गया। तो कुर्सी पे पैंट शर्ट लगा के बैठने से और घर में झाड़ू पोछा और बर्तन करने में बहुत फर्क है, ठीक है। शाम को थोड़ा मैं और सफाई कर दूंगा, ठीक है। सही में लेकिन बहुत मुश्किल है, मैं तो नहीं कर सकती रोज इतना काम। तो रोने को गई आज इतना ज्यादा काम करके।
इतना परेशान। शाम को देखो, शाम को पार्टी करेंगे, बाहर से खाना पकाएंगे। पार्टी करेंगे, मैंने काम करा बिल्कुल नहीं मंगाई है। और सलाद काटना देख लो निखिल का, तुम बड़े बड़े गाजर निखिल भाई वैसे नहीं खाएंगे। अभी नहीं काट रहा हूँ उसको, अभी तुम बीच में नहीं खाने को, ढंग से काटने दो पहले। तो मैं अभी जा रही हूँ बस नहाने के लिए, अब बाकी का काम निखिल संभालेंगे बस, मैं तो नहीं करूँगी। आज थक गए, कहा उंगली कितनी गंदी हो गई काम करके। चलो गाइज मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। तो गाइज अभी शाम के बज गए हैं 6:30, मतलब 6:45, और 7 ही बज गए हैं, और यहाँ पे शाम की पूजा हो गई है। और नैनू ने देखो क्या बनाया है, तो यार देख सकते गाइस मैं, नैनू ने देखो कितना प्यारा बनाया टाइगर। वाओ नैनू, ये बिना कलर के ज्यादा अच्छा लग रहा है सही में, कितनी अच्छी ड्राइंग है नैनू के। बहुत नहीं मैं, ये बच्चा दिन भर ऐसे ड्राइंग में लगा रहता है। हाँ अभी पढ़ाई भी हो रही है। इसको बहुत अच्छा लगता है। तो अभी नैनू के मोगली बन रहा है हमारा नैनू, देखो ऊपर दिखाओ। तो नैनू के अभी हेयर कट हो गए, क्योंकि घर गए थे उससे पहले इसका हेयर कट करवाया था, 2 महीने हो गए। तो अभी इसकी हेयर कट करवा के ला रहे हैं, और निखिल की हेयर कट भी होगी आज ही। तो बस अभी निकल रहे हैं, और टाइम लगेगा 7 बजे, क्योंकि अभी पास वाले में जाएंगे ना वेलकम में। तो गाइस वहां पे चल रहे हैं, तो फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है। आज तो बहुत ही सुंदर सा लग रहा है, बिल्कुल कितना अच्छा लग रहा है, जैसे हम ड्राइंग में बनाते थे, कितना अच्छा लग रहा है। देखो गाइस आ गए हैं यहाँ पे, आज मैं फर्स्ट टाइम देखने के लिए आई हूँ कि कैसा है ऊपर। तो ये देखे, और यहाँ पे पता नहीं इन्होंने क्या लगा रखा है, उधर भी कुछ खुला हुआ है, कटिंग हो रही है अंदर, और बबी आराम से बाहर बैठी है। पहली बार आई ऊपर से अच्छा लगता है ना। हाँ पूरा लुक देखो ऊपर से कितना मस्त। हाँ वो किसकी शॉप है, वो ले गया वो? नहीं वो कुछ ऑफिस है, वो ऑफिस है। वो देखिए चांद, और राइट साइड में वीनस है, ऊपर जुपिटर है, और चांद ऑलमोस्ट वैसे तो बस दूज है, लेकिन पूरा दिख रहा है लगभग अर्थ शाइन के कारण। आज तो खाना हमने बाहर से मंगाया। गाइस मैंने आज इतना काम किया है ना, आप सब लोगों को तो पता ही होगा, बर्तन भांडे मांजना और डस्टिंग करनी, झाड़ू पोछा करना। निखिल को क्या बताया, आप तो ऑफिस में जाके बैठ गए थे, मेरी हालत ना यहाँ पागलों जैसे बन रहे थे, पता है बाहर पोछा लगाना, गमलों में पानी डालना। आज तो मैंने सही में आज बहुत ज्यादा काम किया, और दोपहर को निखिल ने बोला था कि खाना मत बनाना बाहर से मंगवा लेंगे, लेकिन गाइस मैंने खाना भी बनाया। तो आज मैंने अभी भी बनाया खाना ना, मैं जोत भी निकलने लगाई और खाना भी निखिल ने बाहर से मंगवाया, क्योंकि मैं आज तबीयत खराब होती होती बच गई है। रनू साइड से दिखाओ, रनू का हेयर कट करवा ले, दिखाओ सही हो गया। चलो और आज नैनू की हेयर कट, हाँ आपको दिखाई नहीं थी क्योंकि मैं तब ना लाइव आ गई। अभी जब कल मैं स्कूल जाऊंगा तो अच्छे से जब हेयर से और बाल सेट करूंगा तब देखना। चलो लेकिन रियल में आज कितना काम किया, रोना आ रहा था दोपहर को, बस रो ही नहीं मैं। लेकिन एक बात मैं बता देती हूँ सही में, जब आप काम करते है ना, क्योंकि पोछा जो है ना हमने वो ला रखा है ना, जो हाथ से नहीं निचोड़ना पड़ता, तो मैंने ना वो पोछा लगाया ना सुबह में, जब मैं नहा ली तो फिर दोपहर को इतना तेज नींद आई ना मुझे, मैं 1-1.5 घंटे ना उठ नहीं पाई थी, क्योंकि एक पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है वो, बहुत अच्छी है ना, लेकिन रोज करना झाड़ू पोछा बहुत मुश्किल बात है। चलो कोरोना काल के अंदर तो सबको खुद ही करना पड़ा था कई महीने, तब तो मैं और निखिल लगे रहते थे, निखिल बर्तन तो मैं झाड़ू पोछा, निखिल झाड़ू तो मैं बर्तन, भूख भी बहुत लगती थी, और खुद घर पे बना बना के जलेबी खाते रहते थे, खूब जलेबी खाए कोरोना काल में, बेसन खत्म हो गया था दुकानों में। कोरोना काल से अगर वीडियो बनाना शुरू करते तो वैसा फिर से आ जाए ना, सही रहे। पागल हो क्या, ऐसा सबके हस्बैंड घर पे रहेंगे? नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, खुद काम करेंगे वो तो लेकिन सब आदमियों को पता लग गया होगा कि घर पे कितना मुश्किल है सारे घर को हैंडल करना। कोरोना बहुत मुश्किल टाइम था भाई, बहुत ट्रेजिक टाइम थे, वैसा ना आए दोबारा तो ही ठीक है। वैसा टाइम नहीं आया, लेकिन वैसा होगी, सब सरकारी कर्मचारियों को 2-2 महीने की छुट्टी है, घर पे रहना है, मजा आ जाए। छुट्टी लेने का तो 1 साल की भी ले सकते हैं। चलो खाना खा लेते हैं। तो गाइस आज का लोग बस यहीं पे एंड करेंगे, और तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड हैप्पी होली। अभी से हैप्पी होली नहीं, हैप्पी होली तो बाद में बोलेंगे, अभी तो टाइम है, तो हमारे और व्लॉग बन जाएंगे। हाँ एडवांस में बोल रहा हूँ, चलिए हाँ 1 मंथ एडवांस। ओके बाय, गुड नाइट, जय हिंद।